नंदनपुर में रहने वाला सोमू एक साहूकार था। वो अपनी पत्नी शांति और बेटी स्वरूपा के साथ रहता था। तीनों का जीवन बहुत राजी खुशी बीत रहा था। एक दिन अचानक स्वरूपा की माँ शांति की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर शांति को देखने उसके घर पर आए और जांच करने के बाद बोले, सोमो, तुम्हारी पत्नी की बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, परंतु मैंने इस बीमारी के बारे में शहर के बड़े डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कुछ जांच लिखी है जिसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे बता दीजिए कौन कौन सी जांच करवानी है, मैं शहर जाकर बस सब जांच करवा लूंगा। बस आप मेरी शांति की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात शांति की जान उसकी बीमारी ने ले ली और वो चल बसी। छोटी सी स्वरूपा रोती रही, माँ माँ पुकारती रही, लेकिन माँ ने कोई उत्तर ना दिया। वहां उपस्थित लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था, पर सब निशब्द खड़े थे। स्वरूपा माँ के बगैर तड़पने लगी। बेटी का दुख देख सोमू से भी ना रहा गया, पर वो मजबूर था। बेटा सोमू, मैं जानता हूँ कि यह समय तुमसे इस बारे में बात करने के लिए उचित नहीं है, लेकिन अब हम सबसे स्वरूपा की हालत नहीं देखी जाती। बेटा, वह छोटी सी बच्ची माँ के लिए बिलख बिलख कर रोती है। आखिर इसका दोष क्या था? उसने तो माँ की ममता को पूरी तरह महसूस भी नहीं किया, और ऊपर वाले ने उस बच्ची से वो ममता छीन ली। हम सबको लगता है कि तुम्हें स्वरूपा की खातिर दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अभी इस बच्ची का पूरा जीवन बाकी है और इसे जो है माँ की जरूरत है। मैं आपकी बात समझता हूँ चाचा, परंतु क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मुझसे भी स्वरूपा का बिलखना नहीं देखा जाता, परंतु सौतेली माँ के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। सोमू ने सोचा कि स्वरूपा को माँ मिल जाएगी और घर भी पहले की तरह संभल जाएगा। ऐसा विचार करके कुछ दिनों के बाद सोमू ने दूसरा विवाह कर लिया। स्वरूपा दूसरी माँ को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन सौतेली माँ कंचन को स्वरूपा फूटी आंख न सुहाती थी। एक दिन सोमू को किसी काम से कुछ महीनों के लिए शहर जाना पड़ा। सोमू के जाते ही कंचन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जा बर्तनों को धोकर ला, सिर्फ बैठे बैठे खाना जानती है क्या? स्वरूपा सारा दिन माँ का कहना मानती और थकती ना थी। स्वरूपा चुपचाप झूठे बर्तन उठाकर कुएं के पास जाकर धोने लगती। थोड़ी देर बाद भीतर से आवाज आती है, स्वरूपा की बच्ची कहाँ मर गई? एक तो न जाने इस जन्म जली का नाम किसने स्वरूपा रख दिया। लोगों को न जाने इसमें कौन सा रूप दिखता है। जल्दी आ, मुझे प्यास लगी है। कंचन सारा दिन स्वरूपा को काम में लगाए रहती, ना उसे आराम करने देती, ना ही भरपेट भोजन देती। पर बेचारी स्वरूपा करती तो क्या करती, उसका दुख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। एक दिन, अरे ओ स्वरूपा की बच्ची, ये टोकरी ले और जाकर नदी से मछलियां पकड़ कर ला, आज मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। और सुन, बिना मछलियां लिए खाली हाथ अगर घर आई तो आज मैं तुझे ही पका कर खा जाऊंगी, समझी? चल भाग यहां से। नदी पर पहुंचकर स्वरूपा बहुत देर तक कोशिश करती रही, लेकिन उसे एक भी मछली ना मिली। स्वरूपा रोने लगती है और खुद से बोलती है, मैं अगर बिना मछलियां लिए घर गई तो आज माँ मेरी जान ही ले लेगी, और फिर पिताजी भी तो नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, माँ तुम कहाँ चली गई? तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। मैं क्या करूँ माँ, पिताजी भी नहीं है, अपना दुख किसे सुनाऊं? तभी नदी में से एक सुनहरी मछली बाहर आई और बोली, स्वरूपा, बेटी स्वरूपा, मैं तेरी माँ हूँ, तू क्यों रो रही है? तुझे क्या कष्ट है? क्या सच में तुम मेरी माँ हो? लेकिन तुम मछली कैसे बन गई? ये मेरा दूसरा जन्म समझ लो बेटी। मैंने अपनी छोटी सी बच्ची को जो यहाँ छोड़ा था,
मुझे मुक्ति कैसे मिलती, इसलिए मैंने फिर से जन्म लिया है। तुम मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? नहीं, माँ ने मुझे मछली लाने के लिए टोकरी दी थी। मैं बहुत देर से इसमें मछलियाँ पकड़ रही थी, लेकिन इसमें एक भी मछली नहीं आई। अगर मैं मछली लेकर घर नहीं जाऊंगी तो नई माँ मुझे ही पका कर खा जाएगी। ऐसा तुमसे किसने कहा है? नई माँ ने कहा है, अगर मैं मछली लिए बिना घर गई तो वो मुझे पका कर खा जाएगी। सुनहरी मछली ने अपने पंख खिलाकर स्वरूपा की टोकरी मछलियों से भर दी और साथ ही उसे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी दिया। स्वरूपा ने बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था, वो भी पेट भर के। माँ मैं जाती हूँ, नहीं तो नई माँ मुझे बहुत मारेगी। अगर अंधेरा हो गया तो वो मेरी जान ले लेगी। घर पहुंचकर कंचन मछलियों से भरी हुई टोकरी देखकर पूछती है, इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ी तूने? कहीं चोरी तो नहीं कर लाई? नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तो एक भी मछली नहीं मिली थी, वो तो सुनहरी मछली के रूप में मेरी माँ आई थी, उसने मुझे सारी मछलियाँ दी हैं। क्या कहा, तेरी माँ आई थी? खबरदार जो आज के बाद तू नदी के तट पर गई। अगर मैंने तुझे वहाँ जाते देख लिया या मुझे किसी से पता चला तो नदी में डुबा दूंगी तुझे। उस दिन के बाद स्वरूपा का नदी की ओर जाना बंद हो गया और फिर वही सब शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद स्वरूपा की असली माँ शांति गाय के रूप में आने लगी और अपना दूध स्वरूपा को पिलाने लगी। मैं तो इस जन्म जली को ठीक से खाना भी नहीं देती, फिर भी न जाने कैसे ही मोटी होती जा रही है। कुछ तो चल रहा है मेरी पीठ के पीछे, आज इसका पता लगाना ही पड़ेगा। कंचन छुप कर बैठ जाती है और देखती है कि एक गाय आकर स्वरूपा को दूध पिला रही है। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे, आने तो उस गाय को, मैं देखती हूँ। अब अगली बार आएगी तो मैं इस गाय को ऐसा मजा चखाऊंगी कि दोबारा कभी इधर दिखेगी भी नहीं। जब गाय आई तो कंचन ने उसे डंडे से मारा और गाय ने कंचन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मर गई माँ, अरे मैया मैं मर गई। माँ क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? कंचन गुस्से में वही डंडा उठाकर स्वरूपा को मारती है। कैसे गिर गई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे इस घर में रहते मैं कभी सुखी नहीं रह सकती, न जाने तू कब जाएगी ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। और स्वरूपा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अब तो स्वरूपा को पानी भी नसीब नहीं हो रहा था, वो रोती रही। दूसरे दिन चूहे के रूप में शांति उस कमरे में आई। चूहे के रूप में स्वरूपा की असली माँ शांति बोली, स्वरूपा मैं हूँ तेरी असली माँ शांति। माँ माँ तुम आ गई, मैं जानती थी कोई मेरा रोना सुने ना सुने पर तुम्हें जरूर सुनाई देगा। बेटा मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भुना हुआ अनाज लेकर आई हूँ, तुम इसे खा लो। क्या खाना, आज कितने दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है। क्या तुम थोड़ा पानी भी ला सकती हो, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए पानी भी लाई हूँ, उठो अनाज खा लो और पानी पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तभी कंचन कमरे में आ गई। कंचन कमरे में आई और गुस्से से बोली, बड़ी मोटी चमड़ी है तू तो, 5 दिनों से अनाज का एक दाना और जल की एक बूंद भी न मिली, फिर भी देखो कैसे चेहरे पर रौनक आई हुई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, तेरा किस्सा खत्म करना पड़ेगा। सोमू कुछ ही दिनों में वापस आने वाला था। कंचन खुद से बड़बड़ कर रही थी, आज मैं इस तलवार से सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी, स्वरूपा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। चूहे के रूप में शांति कंचन की सारी बातें सुन रही थी। वो सीधा भगवान के मंदिर में गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। भगवान पहले तो तूने मुझे मेरी बच्ची से अलग कर दिया और अब उस पर एक एक करके दुखों का पहाड़ गिरता जा रहा है। भगवान तू क्यों नहीं उसकी पुकार सुनता, क्या तू सच में पत्थर का हो गया है? तुझे उस मासूम के आंसू नहीं दिखते, क्यों नहीं प्रकट होता? मैंने सुना है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है भगवान स्वयं प्रकट होकर उन पापियों से धरती को मुक्त करते हैं, परंतु तू कहाँ है भगवान, क्यों नहीं आता मेरी बच्ची की सहायता करने? आज तो इस औरत ने हद कर दी है, अब ये मेरी बेटी को तलवार से काटने जा रही है, मैं एक चूहे के रूप में उसकी जान कैसे बचाऊंगी?
शांति मंदिर में बेहोश हो जाती है। तभी एक देवी प्रकट होती है और वो जल की कुछ बूंदे शांति के ऊपर डालती है। उठो पुत्री, देखो तुम्हारी पुकार सुन ली, मैं आ गई हूँ तुम्हारी बेटी स्वरूपा की जान बचाने के लिए। तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। देवी, क्या आप सच में मेरी बेटी को उसकी सौतेली माँ से बचाएंगी? तुम ये जादुई वस्त्र लो और इसे ले जाकर अपनी पुत्री को पहना दो। शांति जादुई वस्त्र ले जाकर स्वरूपा को देती है। स्वरूपा वस्त्र पहन लेती है। कंचन तलवार लेकर स्वरूपा को मारने के लिए जाती है और कई वार करती है। फिर स्वरूपा को मरा हुआ समझकर वहां से चली जाती है। अगले ही दिन सोमू लौट आता है। उस समय कंचन बाजार गई होती है। स्वरूपा, बेटी स्वरूपा, कहाँ हो तुम? मगर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है। तभी शांति की आवाज सुनाई देती है। मैं हूँ शांति, जिसने स्वरूपा को जन्म दिया है। तुमने तो उसे सौतेली माँ के हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, परंतु मैं मर कर भी चैन से न मर पाई। अपनी बेटी की ममता में यहाँ भटक रही हूँ। अगर तुम अपनी बेटी को जीवित देखना चाहते हो तो उस कंचन को घर से निकाल दो, अन्यथा तुम मेरी बेटी को किसी सुरक्षित हाथों में सौंप दो। कहाँ है स्वरूपा, क्या हुआ उसे? तुम्हारी दूसरी पत्नी ने स्वरूपा को अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है। जाओ जाकर स्वयं उसकी हालत देख लो। सोमू ने कमरा खोला और उसे वहां रोती हुई स्वरूपा मिली। स्वरूपा, बेटी स्वरूपा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई बेटी? पिताजी, आप आ गए। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? देखिए ना, नई माँ ने मेरी क्या दशा कर दी है। वो तो मुझे मारना ही चाहती थी, लेकिन शांति माँ ने मुझे बचा लिया। पिताजी, नई माँ बहुत बुरी है, वो मुझको बहुत मारती है, खाना भी नहीं देती। मुझे उसके साथ नहीं रहना है। उसी समय कंचन भी लौट आई और सोमू के साथ स्वरूपा को देख उसके होश उड़ गए। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी ये सूरत कभी मत दिखाना, बता रहा हूँ। उस दिन के बाद से सोमू और स्वरूपा सुख से रहने लगे और फिर स्वरूपा ने कभी अपनी असली माँ शांति को किसी भी रूप में नहीं देखा। इसे कहते हैं माँ की ममता, जो मरकर भी अपने बच्चों के आसपास ही रहती है, खास तौर से तब जब वो बच्चे तकलीफ में हों।